क्वेश्चन है पी वाई क्यू में, फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट किसी को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन के बाद क्वेश्चन नंबर टू में डाउट, टू कितनों का हो गया, हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें याद करो, मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी बॉडी वो घूम रही है सर्कल में, उसने बोला हाफ हाफ रेवोल्यूशन, फुल रेवोल्यूशन में ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है, 2πr, मैंने बुकलेट में बना के दिया था मैंने, और हाफ रेवोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ कितना डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ मास का, πr। तो ये डिस्टेंस कितना है, 2r। तो आपका ए पॉइंट यहाँ से यहाँ चला गया, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, पाइथागोरस लगा के डिस्प्लेसमेंट निकाल देना आंसर, हो गया था, ठीक है, आसान क्वेश्चन आया वैसे उस हिसाब से भी, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट, असाइनमेंट नहीं है, असाइनमेंट नहीं है अभी, नहीं है असाइनमेंट ये वाली। तो क्वेश्चन नंबर 208 कितनों का हो गया, अच्छा ठीक है, ऑनलाइन वाले भी पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट होगा। क्वेश्चन नंबर 209 डाउट है, नंबर 209, ठीक है, रेशियो थी जो हमने की थी। ये वाला क्वेश्चन एंगुलर दिया था मैंने, नहीं नहीं एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन, ये नहीं करना अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट, ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट, ये भी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट, कितनों का हो गया, ये हो गया। कैसे किया आपने, पहले जाने का अलग टाइम, आने का अलग टाइम लिया, अलग अलग टाइम लिए, नहीं जाने का टाइम टी तो आने का भी टी, उसको डबल किया, ठीक, सेम क्यों, हाँ मैं सही है, आने जाने का टाइम सेम से आंसर आया आपका डबल करके। देखो वैसे तो एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट भी किसी ऑब्जेक्ट को भेजते हो तो आने और जाने का टाइम तो सभी सेम होता है, एक्सलेशन सेम है, हाँ। तो मैं तो आपके हक में ही हूँ, मैं तो कह, वो कह रही है सेम क्यों, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आने जाने में माइनस जी और जी के अंदर भी सेम है, एक्सलेशन सेम है, तो भी टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट लगता है, ऊपर आते हुए वेलोसिटी नहीं दी थी किसी ने इनिशियल, नीचे जाते हुए वेलोसिटी भी दी थी, उसको फायदा भी हुआ था जाते हुए, वेलोसिटी से फेंके क्योंकि वो एच हाइट तक पहुंचा था वेलोसिटी वी से, आने और जाने की हाइट तो सेम ही है ना, क्योंकि जब वो वी से गया ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई, वापसी में वेलोसिटी फिर से वी हो गई, एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि एच हाइट पर रुका फिर वापस आ गया, एच से ऊपर जा ही नहीं रहा, तो वही बात होगी, तुम एक पेन को ऊपर फेंको वी वेलोसिटी के साथ, तुम्हारे हाथ में स्ट्राइक करेगा विद वेलोसिटी ऑफ वी, ये तो अगर एक्सेलेरेशन सेम है ऊपर नीचे की तो ऑलमोस्ट आज तक तो सेम ही रहे, मतलब मैंने कभी देखा नहीं इसको, तो अगर ऊपर नीचे फेंकते तो भी सेम है, इंक्लाइन पेन पे तो भी सेम ही देखा है, एक्सेलेरेशन सेम है ना, फर्क नहीं पड़ रहा, उतनी स्पीड बढ़ रही है, ओके ऐसे बोल सकते हैं, ऊपर जाते हो जितनी स्पीड कम हो रही, जिस रेट से कम हो रही है, नीचे आते हो उसी रेट से ज्यादा हो रही है, ये भी स्थान सही है, एक्सेलेरेशन वर्ड यही होता है। तो इसमें देखो दो तरीके हैं, एक तो इसमें सॉल्यूशन में जो किया हुआ है वो भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, वो भी सीख लेना चाहिए अपने को, और एक सिंपल तरीका तो यही है, मैंने तो इसको ऐसे सोचा था, आई डोंट नो आपने कैसे किया, मैं तो ये सोचा कि आपको इस क्वेश्चन में ये एक बॉडी रोल करती हुई दिख रही है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, 1 है, रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है, मास आपको गिवन है, ये स्फीयर गिवन है, और 30 डिग्री ऊपर पहुंचती है, तो मान लो एच हाइट है, तो पहले तो मैंने लगा दिया हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना एम जी एच, तो मेरी हाइट एच निकाल ली, सही है, इक्वेट कर लेना, इक्वेट करके एम से एम कैंसल, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर स्क्वायर का पता है, वी पता है, मैंने हाइट निकाल ली, जब हाइट आ गई मेरे पास, जब ये हाइट आ गई मेरे पास एनर्जी कंजर्वेशन से, अब मैंने कहा कि बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया एस, तो फिर मैंने साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू एच बाई एस से फिर मैंने एस भी निकाल लिया, मेरे पास h तो था ही था, मेरे पास s भी आ गया, तो इंक्लाइन प्लेन पे कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वो आ गया मेरे पास, s आ गया।
अब एस आ गया, अब मेरे को, अब मैंने तो मोशन लगा दिया काइनेमेटिक्स की, चलो ये स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, ये स्पीड क्या हो गई, जीरो, और जाने की एक्सेलेरेशन क्या है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k² बाय r² ऊपर जाते हुए रिटार्डेशन ए नेगेटिव पुट करना है, जब आप v इक्वल टू u प्लस at पुट करेंगे तो ए को नेगेटिव पुट करना, रिटार्डेशन हो रही है, t1 आएगा, फिर नीचे आने में भी सेम कॉन्सेप्ट लगा देना, एस वी आपके पास तो v एस इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओ, या फिर v इज इक्वल टू u प्लस at लगाओ, तो भी टाइम टेकन की वैल्यू आएगी, या सीधा डबल कर दें तो भी कोई बात नहीं। लेकिन एक बढ़िया तरीका और किया हुआ है इसने जो ठीक लगा मुझे, बुरा भी नहीं है इतना, कि वो कहता है कि देखो यहाँ से बॉडी चली विद 1 मीटर पर सेकेंड, ऊपर गई, रुकी और वापस आ गई, आने और जाने की नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। तो ये बढ़िया किया इसने, उसने एस को जीरो पुट कर दिया। वो कहता है जी एक आने और जाने की टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो करो, और एक ही बार में टी टाइम आएगा, आपको डबल करने की जरूरत ही नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 1 × t। अब ये टी टाइम क्या है, आने और जाने का टाइम है, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। हाफ एक्सेलेरेशन की जगह रिटार्डेशन, क्योंकि ऊपर जा रही है बॉडी, इनिशियल के साथ काम करना है, × t² सीधा जो t आएगा वो डबल होके आएगा। आपकी मर्जी, आप कैसे कर लो, आप s को जीरो कर लो, आप ब्रेक करके कर लो, कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। मेथड क्लियर है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है इसका, है ना? आधा ये तो मुझे को लगता है कि ये तो कॉन्सेप्ट ही मोशन का, इसमें कुछ है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही काइनेमेटिक्स का लग रहा है इसमें। ठीक है यहाँ तक, ठीक, तोड़ के कर लो, क्यों इसका सोल्यूशन देखते हो, अपना ओरिजिनल सोल्यूशन बना लो, क्या दिक्कत है इसमें, डाउट? हाँ, इसका आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, वैसे क्या आ रहा है, 7/10, ठीक है, ऐसा ही कुछ है, ओके डन। ये तो मेंस के अंदर भी गलत डला हुआ है, वो कह रहा है, वो तो स्टार का मतलब पेपर में गलत होके आ गया, हो जाता है कभी कभी ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 215, हो गया, हो गया। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए पैराबोला का, मैंने बहुत अपने एक्सपीरियंस से देखा है, पैराबोलिक इक्वेशन के बनोना, मतलब मेरे को पता, इंट्यूशन हो जाती है यार, ना स्लोप निकालेगा, स्लोप निकालेगा, टाइम थीटा निकालेगा, हमेशा वाई और एक्स का रिलेशन निकलेगा इस स्लोप से, तो कहीं ना कहीं इसका स्लोप का कॉन्सेप्ट, देखो आप ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप एक बार समझना। देखो आधा क्वेश्चन तो सर्कुलर मोशन वाला ही है, हमने सर्कुलर में किया था, हेमीस्फेयर में इंसेक्ट है वो साथ साथ घूम रहा है, कोन में इंसेक्ट है साथ साथ घूम रहा है, सेम है, रिंग है, रिंग कैसे घूम रही है, रिंग ऐसे घूम रही है, रिंग घूम रही है, रिंग के अंदर बीड है, कायदे से इसको नीचे गिर जाना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं है, पर ये नीचे नहीं गिर रही है, सर्कल में घूम रहा है, बीड अपनी जगह पर स्टेशनरी है, और क्या उसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, a, b, तो यहां पर वो स्टेशनरी है, तो बीड कितने रेडियस में घूम रहा है पहले बताओ, ए, क्योंकि जब मैं इस बीड का सर्कल बनाऊंगा तो उसका रेडियस क्या आएगा, ए, को डाउट है इसमें, तो बीड का ये पॉइंट समझ में आता है कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसमें, ए। नेक्स्ट है, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी हमने सर्कुलर में की हुई है, पहला स्टेप टेकिंग नॉर्मल रिएक्शन, ये तो बनेगा ही बनेगा, तुम जितने भी सर्कुलर की वीडियो सुन लो उसके अंदर भी, आप आज भी आप चेक कर लो, अपनी कॉपी चेक कर लेना, आपकी कॉपी में मैंने करवाया हुआ है कि जब भी कोई चीज़ स्टेशनरी रहेगी घूमते घूमते उसमें ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल रिएक्शन, और हेमीस्फेयर में रिंग में नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से पास करेगा, आप उसके सेंटर से, तो नॉर्मल रिएक्शन तो ड्रॉ करना ही करना है, कर दिया। तो नॉर्मल रिएक्शन के साथ यहां पर जो एंगल बनने वाला है वो याद करो क्या होता था, थीटा। तो अगर ये थीटा होता था तो ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, थीटा। अगर ये थीटा हो जाएगा तो एन के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक कंपोनेंट क्या होगा, एन कॉस थीटा, और एक क्या होगा, एन साइन थीटा, और वेट क्या होगा इसका, एम जी। ऐसे किया था हमने सर्कुलर मोशन में, वेट क्या होगा, एम जी। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, एंड एन साइन थीटा इज एम ए ओमेगा स्क्वायर। एम ए क्यों, क्योंकि रेडियस क्या है इसका बीड का, ए, तो एम ए ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से मैंने आपको सिखाया था 2 और 1 को डिवाइड कर लेना, तो एन साइन थीटा बाय एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी, एम से एम कैंसल, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ए ओमेगा स्क्वायर बाई जी, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई जी टेन थीटा बाई ए का अंडर रूट। क्लियर है यहाँ तक, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई इसमें, पर प्रॉब्लम ये है कि अपने को आंसर इस फॉर्म में दिख नहीं रहा, अपने को ओमेगा निकालना है पर दिख नहीं रहा, तब दिख रहा है मेरे को टेन थीटा, टेन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा आना चाहिए,
मतलब कई बार कई क्वेश्चन में साइन बच जाता है, कई में कॉस बचता है, किसी में टैन बचता है, कुछ तो एंगल बचता ही है। और अगर आपको ऑप्शन में एंगल ना दिखे, उसका एक ही ट्रिक है, तोड़ एक ही है, वो तोड़ देख लो, जहां पर बीट पड़ा हुआ है वहां पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट टेंजेंट, हमेशा ऐसे करना पैराबोला में या किसी भी चीज़ में आप टेंजेंट ड्रॉ कर लें। अगर ये एंगल थीट है तो ये 90 माइनस थीट है, और अगर ये 90 माइनस थीट है तो ये थीट है, क्योंकि ये वाला और ये वाला साइड 90 डिग्री पे है, तो एंगल थीटा बनेगा। राइट, क्लियर है? अब ये जो टेंजेंट देख रहे हो, इसकी स्लोप क्या होती है? देखो, स्लोप किसी भी हालत में क्या लिखी जाती है? टेन थीटा। स्लोप तो टेन थीटा होती है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि लाइन की स्लोप निकालनी है, तो स्लोप क्या होगी? टेन थीटा। अब टेन थीटा स्लोप, स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या है? स्लोप का ये कॉन्सेप्ट है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पर इसकी स्लोप निकालूं स्मॉल इंटरवल पे, तो ये डी वाई हो जाएगा और ये डी एक्स हो जाएगा ना। वाई का छोटा इंटरवल डी वाई है और एक्स का छोटा इंटरवल डी एक्स है, तो स्लोप टेन थीटा का मतलब क्या है? डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। कोई डाउट इसमें? तो टेन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जा सकती है स्लोप के साथ, और स्लोप की जगह क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। अब मेरे को क्या ढूंढना है? टेन थीटा, और मुझे ये पता लग चुका है टेन थीटा किसके इक्वल है? डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। और सबसे बड़ी बात, मुझे वाई की वैल्यू पता है, जो कि कितनी है? 4c x2। तो ठीक है, फिर मैंने वाई की जगह पुट कर दिया 4c x2। तो जब मैंने वैल्यू पुट की, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आई? 4c कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन क्या है? 2x। और एक्स कोऑर्डिनेट मेरे को कितना चल रहा है यहाँ पर? ए। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? ए। तो तुम इसकी जगह ए रिप्लेस कर दो, कितना आ गया? 8ca। इस टेन थीटा को उठा के यहां पुट कर दो, ऑप्शन मार्क कर लो, आंसर हो गया था। तो कोई कहता कैसे पता लगता है ऐसे ऐसे स्लोप लेने पड़ती हैं? पता है, ये ना बेसिकली एक्सपीरियंस है। दो चार न्यूमेरिकल करोगे, अपने आप क्लिक करेगा कि जहां तुम्हें टेन थीटा दिखेगा और जहां तुम्हें वाई और एक्स की इक्वेशन दिखेगी, वहां पर पक्का कैलकुलस यूज होना है, और डी वाई बाई डी एक्स से आपको स्लोप निकालनी ही पड़ेगी बाई कैलकुलस। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो यहां से ये ऑप्शन मार्क करना है। नेक्स्ट, ये नहीं करना अभी, ये मोमेंटम के ऊपर है, एंगुलर मोमेंटम मत करें इसे। ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा, ये भी मोमेंटम पे है, मत करें। हाँ, पूछ सकते हैं, हो गया, पूछ सकते हैं, हो गया, ठीक, पूछ, डिस्कस करना चाहता हूँ इसे तो मैं। बोलो, कितनों का हो गया? आप मुझे ये बताएं, इस क्वेश्चन अगर हो गया तो इसमें एक रिंग है जिसका रेडियस आर है, एक सॉलिड सिलेंडर है रेडियस आर बाई टू है, जो कि नॉर्मल ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड तो आर का ही होता है कि हर का रेडियस आर है, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे पास सिलेंडर का रेडियस आर बाई टू है और स्फेयर का रेडियस आर बाई फोर है, उसने जानबूझ के रेडियस को चेंज कर दिया, और वो क्या पूछना चाह रहा है? रेशियो ऑफ हाइट क्लाइंट। तो ठीक है, मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि इसमें तीन फिगर्स हैं, मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन, और वो इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ने की कोशिश कर रही है, तीन के तीन फिगर्स, ठीक है? तो इसमें ये देखो, तो आपको
देखो तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एच हाइट पे चलना है, बॉडी रोल करती हुई आ रही है, तीन फिगर्स हैं तो हाइट बतानी है। देखो मेरे को इतना पता है जब बॉडी रोल करती हुई आएगी तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को मैं क्या पुट करने वाला हूँ, एम जी एच। बिल्कुल क्लियर है, एम से एम कैंसल और मैं यहाँ से हाइट निकाल लूँगा। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है पहली फिगर रिंग गिवन है रेडियस आर, दूसरी क्या गिवन है सिलेंडर गिवन है रेडियस आर बाई टू और तीसरी स्फेयर गिवन है रेडियस आर बाई फोर। प्रॉब्लम ये है, चलो स्फेयर से शुरू करते हैं। पहले अगर स्फेयर यहाँ आएगा तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या पुट करूँ, सेम रहेगा या डिफरेंट होगा, चलो मैं करके देख लूँ, एक मिनट पहले देख लेता हूँ, घर जाके लोग फंस भी सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर चेंज नहीं होगा, ओके। तो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, टू बाई फाइव एम इंटू आर बाई फोर का स्क्वायर, यही बना ना, और रेडियस ऑफ गायरेशन की फॉर्म में एम के स्क्वायर, यही बना। तो यहाँ से एम कैंसल तो 2/5 इंटू 1/16 आर स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की रेशियो मेरे पास कितनी आ गई, 2 जो भैया 2 डिवाइडेड बाय ये रेशियो आ गई। पर तुम कह रहे हो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सेम रहेगा, पर मैंने कर दिया आर बाय फोर यहीं पे की है, नहीं मेरे क्वेश्चन है मुझे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर चाहिए ना, तो मैंने स्फेयर में आर बाय फोर पुट कर दिया। हाँ ये पॉइंट है, ये सारी बातें ठीक हैं, आप ठीक बोल रहे हो, असली पॉइंट यही है कि अगर आप के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिखते हो तो आपने एज्यूम कर लिया है कि आपकी फिगर का रेडियस आर है, तो जब यहां से सॉल्व करके वहां पुट करते हो आप पुट नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि इसमें यह अजम्पशन है कि रेडियस आर है। हमने जो थ्योरी बनाई थी उसमें तो आर रेडियस के साथ काम किया, जब हमने थ्योरी बनाई थी उसमें वी इक्वल टू आर ओमेगा भी पुट किया, ओमेगा वी बाय आर पुट किया, हमने कब आर बाय फोर पुट किया, हमने किया ही नहीं। तो यानी कि ये फॉर्मूले की तो कंडीशन ही है कि रेडियस आर है, सही है। तो ठीक है, मैंने काम किया, फिर मैंने यहां से के स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली 2/16 आर स्क्वायर, मैं ये तो कर सकता हूं, इसमें तो कोई नहीं रोक सकता मेरे को, मैं वहां पे के की वैल्यू निकाल के आया हूं जब रेडियस मैंने क्या एज्यूम किया आर बाय फोर, ये तो सही है। और जब मैं यहां पर स्फेयर के लिए ये फॉर्मूला लगाता हूं हाफ वी स्क्वायर वन प्लस और के स्क्वायर की जगह क्या पुट करूंगा 2/16 आर स्क्वायर बाय, अब लेकिन मैं आर स्क्वायर नहीं पुट करूंगा क्योंकि मेरे स्फेयर का रेडियस आर बाय फोर है, तो मैं आर स्क्वायर बाय 16 पुट करूंगा, सही है, क्योंकि ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब रेडियस आर है, पर मेरा रेडियस तो चेंज हो गया तो मैंने फॉर्मूला भी चेंज कर दिया। पर जब मैंने ये चीज को नोट किया फिर से एक बार 2/5 ही बच गया, यानी कि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की रेशियो फिर से क्या बच गई 2/5, तो एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट आ गया। बनाने वाले की तो देखो तारीफ है, वो गलत करवा सकता है अगर हमने प्रैक्टिस नहीं कर रखी, वहां ट्राई मारने थोड़ा जानी होती है पेपर में, वहां तो आप सीख ही जाते हैं। तो एक शॉर्टकट ये है, कितना भी रेडियस गिवन हो आर आर बाय टू आर बाय फोर आर बाय सिक्स कोई फर्क ना पड़ता, तुम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर स्टैंडर्ड ही 2/5 पुट करो, आंसर में कोई चेंज नहीं, आंसर बात ही खत्म। अच्छा चलो इस बात को ऐसे ना समझो, ऐसे समझ लो, मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया और मैंने कहा कि एक रेडियस ऑफ स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर, तो तुमने ये इक्वेशन लगाई और ठीक लगाई, सही है, और एच निकालना चाहते थे और तुम्हारे पास आर की वैल्यू मैं दे ही रहा हूँ 10 सेंटीमीटर, फिर मैंने एक नया क्वेश्चन दिया, मैंने ये आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो फिर क्या हो गया, कैपिटल आर तो कैपिटल आर ही है, उसके अंदर वैल्यू थोड़ा हमने डाल रखी है कि 5 है कि 10 है कि 15 है, आर तो आर ही है, किसी भी रेडियस का स्फेयर हो कोई फर्क ना पड़ता। तो इसलिए कोई भी स्फेयर हो तुम स्फेयर के लिए 2/5 ही पुट करना, कितना भी रेडियस चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे रिंग का 1 ही पुट करना, डिस्क का हाफ पुट करना, सब आंसर सेम आएंगे, करके देख लेना,
सेम आंसर है, सही है। तो ये बहुत बढ़िया शॉर्टकट बन गया, तुमने देखना ही नहीं इसका रेडियस क्या है। तुम्हारे लिए 2/5 है, तुम्हारे लिए हाफ है और तुम्हारे लिए 1 है, क्योंकि ये फॉर्मूला किसी भी रेडियस के लिए वैलिड है। बात ही खत्म हो गई, ठीक है यहाँ तक कोई डाउट है इसमें? तो अब ये हो जाएगा, तो यहाँ से रेशियो निकाल लेना वेलोसिटीज की। ये मत करना, मैंने किया वैसे किसी ने दिया था मैंने, अच्छा दिया भी नहीं, ओके दिया भी नहीं, ये दिया था ये, रुक जाओ मत करो, नहीं करो नहीं करो, हो गया कोई बात नहीं। मैं एक्चुअली फोर्सेस का कॉन्सेप्ट मैंने कराया नहीं ना, तो फोर्स का फ्रिक्शन का इक्वेशन कैसे लगती हैं वो मैं पहले बताऊंगा, वो रूल्स हैं उसके। हाँ हो निकाल सकते हैं, देखो रोटेशन मोशन टॉर्क से होना है, हर न्यूमेरिकल टॉर्क से होना है, कोई नई चीज़ तो है नहीं। मैं कर सकता हूँ, मैंने मना नहीं किया, पर तुम मुझसे फिर वही क्वेश्चन पूछ लोगे सर आपने फ्रिक्शन वहाँ क्यों ली, क्योंकि मैंने तुम्हें फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी सिखाई नहीं अभी, तो इसलिए मैं उस उलझन में डालना ही नहीं चाहता तुम्हें। क्या फ़र्क पड़ता है, अगले लेक्चर में फ्रिक्शन का ही तो काम है, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ना करना, बस फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन है टोटल। तो आप फोर्स का किसी भी कॉन्सेप्ट को मत छेड़ें अभी, मैं जब लेक्चर लूँगा ना तो सारी की सारी फोर्सेज को इकट्ठा ही डिस्कस करूँगा। तो मत करें इसे, मत करें इसे, इसे भी मत करें, ये सारी मेरे असाइनमेंट में आएगा अभी। नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है वो इसी के ऊपर होने वाला है कि अगर ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक है, ओ ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है, इस बार ब्लॉक के ऊपर सिलेंडर है, ब्लॉक के ऊपर स्फेयर है, और मेरी शीट में ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर सिलेंडर है। अब वो तुम मूव करवाते हो और कब गिरेगा, ऐसे वही सेम क्वेश्चन आने वाले हैं, पर वो स्लाइडिंग के थे, अब रोलिंग के हैं, एक टॉर्क की क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। मैंने बोला था अगर फाउंडेशन ठीक बनती जा रही है तो ये चीज़ें बिल्कुल एकदम देखो ना सही बैठती जाएंगी। वहाँ पे खराबी है ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, तो यहाँ भी खराबी आई जाएगी, पक्की बात है, पता ही लगेगा यार यहाँ पे कैसे है। चलो फिर से ट्राई तो करेंगे ही, तो अगला लेक्चर यही है, इस क्वेश्चन को करना, ये क्वेश्चन करना, देखो क्या क्वेश्चन है, आप बस मुझे कॉन्सेप्ट बताओ कितना है, इसका आंसर ए है 1.87। आप बस मुझे एक लॉजिक बता दो, बाकी तो आप न्यूमेरिकल जो मर्जी वैल्यू पुट करते रहना। इसके अंदर एक टेनिस की बॉल है जो कि हॉलो स्फेयर है, वो ना रोल करती हुई नीचे आ रही है, इस पाथ से आई, इस रास्ते से आई, इस रास्ते से आई, इस रास्ते आई और ऊपर चढ़ गई, ये आपकी बॉल है, और फिर वो एकदम एक इस झूला है जैसे वो जो आई और ऐसे और हवा में आ गई, हवा में आते ही ये प्रोजेक्टाइल मोशन कवर कर गई। आपको रेंज बतानी है, देखो रेंज तो आ जाएगी, अगर आप मुझे वेलोसिटी बता दें तो रेंज का फॉर्मूला वी स्क्वायर साइन ऑफ 2θ/g से आंसर आ जाएगा, थीटा 30 डिग्री है, वी निकालना है, तो वी निकालने के लिए यहाँ और यहाँ क्या लगेगी, एनर्जी कंजर्वेशन। जब ये बॉडी यहाँ से चली थी तो mgh है,
और जब रोल करती हुई नीचे आई, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हॉलो के लिए क्या होता है, 2/3। बस मुझे बता दो हाइट क्या ली, एच 1.8 लिया कि 2 लिया, एच बस क्या पुट किया, अगर नहीं भैया फोटो है, दो लोग लेके कि 1.8 लेके, बस ये तुम्हारा क्वेश्चन सही गलत कर देगा। दो लेके कितनों ने 2 लिया, कितनों ने 1.8 लिया, 1.8 आंसर सही है भाई। ग्राउंड देखो सेंटर ऑफ मास फिर ऊपर चढ़ गया, नीचे डिप करके ऊपर चढ़ गया, अगेंस्ट ग्रेविटी फर्क ना पड़ता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखी जाती है। वो डायग्राम में दिया ही नहीं हुआ उसने एंगल, 30 डिग्री दिया हुआ है उसने, हमारी क्या हेडेक है उसमें, एंगल तो हम तब देखेंगे ना, वो तो बोल रहे 30 तो निकल गया। तो तुमने ये और ये हाइट देखनी है, तुमने ये हाइट नहीं देखनी, तुम्हें माइनस करके 1.8 लेना चाहिए, अब आंसर एकदम सही आएगा, करके देख लेना ठीक है। बट चलो उसने जानबूझ के ट्रैक ऊबड़ खाबड़ बनाया ताकि तुम नीचे की हाइट भी ले, बिल्कुल नहीं लेनी, तुमने जहां से स्टार्ट किया जहां तुम एंड करना चाहते हो बस वही हाइट लेनी है, और यही सिखाया था हमें वर्क एनर्जी पार ने, दैट इज ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क इज कंजर्वेटिव इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड एंड डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। बस तो समझ में आ रहा है यहां तक, अब आ जाएगा आंसर, कोई टेंशन नहीं है। चलो मैंने बता दिया ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक और भी आया हुआ है वैसे इसमें, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, ये तो इजी है, आएगा भी आएगा ये क्वेश्चन, तो किस्मत खुल गई जिसकी, इसमें एंगर क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पूछ रहा है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, बस फर्क ये है कि वो आई की फॉर्म में दे रहा है तो एम के स्क्वायर पुट करके आंसर आ जाएगा, तो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 229, हाँ ये वाला क्वेश्चन था, देखो वो क्या गेम खेल रहा है, पहाड़ से चले फिर नीचे आए फिर ऊपर आए फिर नीचे आए फिर ऊपर आए नीचे आए ऊपर आए, एंड में 20 मीटर पे आ गए, शुरू में कहाँ पे थे 100 पे, तो हाइट क्या लेंगे, 100 में से 20 गया 80, एनजीएच में 80 लेना, बात खत्म ठीक है। तो नेक्स्ट 231, इसमें कितनों का हुआ ये हो गया, तो इसमें एक सॉलिड फेयर हॉलो सिलेंडर रोल्स अप विदाउट स्लिपिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन विद सेम इनिशियल स्पीड वी, हॉलो सिलेंडर एम आर स्क्वायर, मैंने ट्रिक सिखाया था ना, अगर हॉलो है तो रिंग से बना हुआ है, काट के देखो रिंग्स, तो रिंग का एम आर स्क्वायर, हॉलो सिलेंडर एम आर स्क्वायर, ठीक है हो जाएगा ठीक है। आसान क्वेश्चन है, सेम ही कॉन्सेप्ट है। 232, नेक्स्ट 233 हो गया, हो गया था 233, 234 करना, 234 रिंग एंड सॉलिड स्फीयर रोल डाउन सेम इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग, दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेडियाई बोथ आर आइडेंटिकल एंड रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, देखो पहली बात तो इसमें मास एंड वेलोसिटी सेम ही लेनी पड़ेगी क्योंकि कुछ मेंशन ही नहीं है, अज्यूम ही करना पड़ेगा, आइडेंटिकल है बोल रहे हैं वो, मास भी आइडेंटिकल लेके करना पड़ेगा, होएगा नहीं, नहीं तो फिर मास की रेशियो कहाँ से निकाल, या मटेरियल सेम करो, डेंसिटी सेम करो, नहीं तो मेंशन तो उसमें कुछ ना कुछ तो करना, सेम ही लेके कर दिया उसने, तुम डेंसिटी से निकाल लो, मेंशन ही नहीं है तो फिर अज्यूम ही करना पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है, तरीका ही नहीं है, आइडेंटिकल है सब कुछ, आइडेंटिकल है बात ही खत्म है, दोनों को भी वेलोसिटी से वो करना है आपको निकालना है, तो रेशियो को निकाल लिया है ठीक है। और कोई क्वेश्चन, मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना चाहता हूँ ठीक है। ये फिगर इंक्लाइन प्लेन, एल हाई एस ले लो, चाहिए ही नहीं कट जाएगा सर कुछ, ऐसे सब कट जाएगा,